एबीपीएस न्यूज टीम जिला बरेली की तहसील आंबला क्षेत्र के गांव आसपुर में पहुंची। ग्रामीणों से बात करने के साथ साथ ग्राम प्रधान सुनीता देवी से बात करके विकास कार्यों और सरकार से गांव की अपेक्षाओं पर चर्चा की। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि जितना धन ग्राम निधि से सरकार द्वारा प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार विकास कार्य हो रहे हैं। इस गाँव की तहसील मुख्यालय से दूरी 3 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से दूरी 36 किलोमीटर है। लगभग 4500 की आबादी और 2280 वोटरों वाला इस गांव में राशन कार्ड धारकों की संख्या 600 ही है, तो वहीं विधवा पेंशन 38 में से 26 लाभार्थियों को ही मिल पा रहा है, जबकि लगभग 32 ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्हें वृद्धा पेंशन मिल जाए तो उनके बुढ़ापे की लाठी के रूप में उनका साथ देने में जीवन के लिए अमूल्य योगदान होगा। शिक्षा की बात की जाए तो गाँव के जूनियर एवं प्राथमिक विद्यालय में लगभग 385 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान ने गाँव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 52 हैंडपंप लगवाए हैं, 1200 हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 200 विद्युत पोल, 14 विद्युत ट्रांसफार्मर व 45 स्ट्रीट लाइट भी लगवाई गई हैं। गांव में आंगनवाड़ी केंद्र की मरम्मत, 2 खडंजे, सीसी टाइल्स रोड, प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 30 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं सरकार से इस गाँव की मांग है कि उन्हें पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, बरात घर, शमशान घाट की बाउंड्री, आंगनबाड़ी केंद्र, बड़ा नाला, जूनियर हाई स्कूल, 65 प्रधानमंत्री आवास तथा 318 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। मैं ग्राम प्रधान आस हरपाल सिंह, ग्राम आसपुर हसन अली, ब्लॉक नवाबगंज बरेली से मैंने अपनी ग्राम पंचायत में 12 सीसी, 12 आवास, 41 स्ट्रीट लाइट, प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल में शौचालय की रिपेयरिंग, आंगनबाड़ी का निर्माण करा दिया है। ग्राम पंचायत में पैसा कमाने की वजह से ग्राम का विकास धीमी गति से हो पा रहा है। मेरी ग्राम पंचायत में बरात घर, पशु चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट का निर्माण, कब्रिस्तान की बाउंड्री व शब्दगृह पंचायत घर की मरम्मत की आवश्यकता है। अतः मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि इन सभी कार्यों के लिए जल्द से जल्द फंड भिजवाया जाए जिससे मैं अपने ग्राम में विकास करा सकूँ। विकास सेवक नाम त्रिविंदर सिंह, ब्लॉक नवाबगंज, ग्राम पंचायत आसपुर सनेली, जिला बरेली से एबीपी न्यूज़ पे बात कर रहा हूँ। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि मनरेगा मजदूरी 175 के से बढ़ाकर कम से कम 200 रुपये की जाए, जिससे हम ग्राम पंचायत में मनरेगा मजदूरों को ढूंढकर मनरेगा का कार्य अच्छी तरह से करा सकें। कम पैसा होने की वजह से हमें गांव में लेबर नहीं मिल पाती है, जिससे समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। दूसरा, सरकार से आग्रह है कि जो लेबर मनरेगा में काम करती है उसका पैसा अति शीघ्र उसके खाते में भिजवाया जा करे, जिससे कि हम गाँव में अपने खुशहाली ला सकें और विकास कार्यों को अच्छा करा सकें। दूसरी बात, हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि संविदा कर्मचारी जितने भी हैं उन्हें अच्छा वेतन दें, जिससे कि हम सरकार के कार्य करने में मन से काम करें और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सरकार से आग्रह करते हैं कि सभी मनरेगा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की कृपा करें। दूसरा, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि 14 वित्त, राज्य वित्त, ग्राम निधि एवं शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी विकास आता है हमारे ग्राम पंचायत में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजा जाए, जिससे कि हम अपने गांव में अच्छे से अच्छा विकास करा सकें। और कुछ समय पहले सरकार ने शमशान भूमि की बाउंड्री पर जो रोक लगा दी थी उसे हटाकर पुनः चालू करा जाए, जिससे कि हम शमशान भूमि की बाउंड्री करा सकें। मैं यहाँ हेड टीचर हूँ और हमारे विद्यालय में इस समय 146 बच्चे पंजीकृत हैं, जिनमें 69 लड़के और 77 लड़कियां हैं। और इस समय हमारे यहाँ दो सहायक, एक मैं और दो शिक्षा मित्र, सब 5 लोग यहाँ पर अपॉइंटमेंट है। और बाकी विद्यालय में MDM बनता है डेली, स्वेटर वितरण पूरा हो गया है
ड्रेस विड्रॉ हो चुकी है। नवीन सत्र में 21 बच्चों का पंजीकरण हो चुका है। हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी जुनून समस्या एक ही है कि यहाँ बाउंड्री वॉल इनकम्प्लीट है, अधूरी है। तीन साइड से लगभग में कंप्लीट हो चुकी है, एक साइड से खुला है, जिससे ये बाहरी असामाजिक तत्वों का यहाँ प्रवेश होता रहता है और वो विद्यालय में फर्श या दीवार को गंदा करते हैं या पेड़ों को, अगर कोई नया पौधा लगाते हैं तो उसको उखाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, ये अननेसेसरी नुकसान होता रहता है। तो अगर हमारी बात आपके माध्यम से कहीं तक पहुँच सके तो बस हम यही चाहते हैं कि हमारी जो अधूरी बाउंड्री वॉल है वो पूरी करा दी जाए और बाकी ये हमारा प्रांगण है वो थोड़ा सा अगर